तो है गाइस, कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। और आज मेरी गाड़ी कुछ अलग ही तरीके से परफॉर्म कर रही है। सबसे पहले तो कल मेरे को बहुत परेशान कर दिया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें हवा कम है, लेकिन अभी अभी मैं जाके अपना टायर का हवा चेक करेगा, क्योंकि पंचर है वो टायर, वो हवा धीरे धीरे निकल जाती है। बहुत परेशान हो गया था मैं, कल टायर चेंज किया, उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा उसमें वो किया था, हवा चेंज किया, टायर चेंज किया, पीछे वाला टायर आगे लगा दिया, फिर उसके बाद में वही बात है। तो अभी फ़िलहाल मैं आगे का इसका आपको बताता हूँ कि कैसे वो करते हैं, चेक करते हैं। तो अगर इंजन का ऑयल बात करूं, तो सबसे पहले टिश्यू पेपर लेता हूं, उसमें जितना ऑयल लगा होता है वो मैं निकाल के साफ करता हूं, फिर दोबारा डालता हूं, और इसमें देखता हूं कि ऑयल हमारा कितना है इस साइड से। अगर इतना ऑयल है तो समझ लीजिए परफेक्ट है, ठीक है। अगर आपको गियर ऑयल चेंज करना है, अगर गाड़ी आपको चेक करना है, अगर गाड़ी आपको नहीं स्टार्ट करनी है, ठीक है। क्या होता है कि गाड़ी स्टार्ट करते करते हैं तो उसके बाद में पता चलता है कि गियर ऑयल सही है, लिमिट में है कि नहीं है। लेकिन आपको बताता हूँ विदाउट स्टार्ट किए हुए, ठीक है। तो मैं ये तार निकाल लिया, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, उसके बाद में इसमें पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पर तेल, अगर आपको ये कुछ इस तरीके से अगर आपको बता रहा है, ये देखिए इस तरीके से बता रहा है, तो समझ लीजिए कि यानी ज़्यादा है, सही है, एकदम परफेक्ट है। क्योंकि यहाँ जो होल है ना, होल से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि होल से ऊपर नहीं रहेगा ना, तो समझ लीजिए कम है, ठीक है। ये गाड़ी बंद होने के बाद में अगर गाड़ी स्टार्ट करेंगे, रिवर्स गियर लगाएंगे, तो क्या ना आपको परफेक्टली पता चलेगा कि इसमें है कितना, ठीक है। लेकिन परफेक्ट हिसाब मेरे हिसाब से ये है, ठीक है। तो मैं गाड़ी का वेनट बंद करता हूँ, जो कि सब पूरा परफेक्ट सही है। तो मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा हीट हो जाए, ठीक है। तो गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ, जो कि मैं इसके लिए आधा घंटा पहले उठता हूँ। आधा घंटा पहले उठ के जना अपना जो रूटीन चेकअप जो है वो कर लेता हूँ, कि परेशानी आगे चल के ना हो, ठीक है। गाड़ी चलाते समय कोई दिक्कत ना आए, और अपना चलते समय कोई दिक्कत ना आए। मैं अपना ऑयल, पानी और टायर सबसे पहले चेक करता हूँ, कि कहीं रास्ते में जाते समय दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि कल मेरा दो दिन से जुम्मा शनिचर, मैंने खमीस यानी बीफे को खड़ा किया था शाम को, उसके बाद में जुम्मा शनिचर तीन दिन खड़ी रही, आज सुबह में स्टार्ट किया। क्योंकि कल मेरा टायर ऐसे खड़े खड़े टायर का हवा निकल गया था, तो उसकी वजह से मैं हवा उसमें भरा, और अभी देख रहा हूँ तो हवा है, बस कम हो गया है। अभी इसको जाके भराएगा उसमें हवा, या नहीं तो पीछे वाला जो स्टपनी होता है उसको चेंज करेगा। क्योंकि अभी इंशाल्लाह कपिल बोला है 5-6 दिन के बाद फ़ोन करने का, बोला है कि 5-6 दिन के बाद चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब सैलरी आ जाएगा फिर उसके बाद में चेंज करेगा, ठीक है। तो अभी खैर हाल मैं इधर ही हूँ, और गाड़ी का इस तरीके से मैं किया था, और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि इधर सुबह सुबह बहुत खूबसूरत सा सुहाना सा टाइम है, दे रहे हो 6:46 हो रही हैं, और मूड भरे से जाता है सुबह सुबह उठ के। जो कि आपको दिखा दूँ, ये देख लीजिए इस तरीके से मेरी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, गेट खोल दिया हूँ, अंदर का जो गैस या कुछ भी है वो बाहर निकल जाएगा, हवा जो होगा एयर फ्रेशर निकल जाएगा। इसके लिए मैं गेट खोल देता हूँ, अंदर जाएगा तो फ्रेश हवा जाएगा, ठीक है।
मैं इस तरीके से आता हूँ सुबह सुबह, अपना फुल जो रूटीन होता है वो चेक करता हूँ, और बाकी इंशाल्लाह जो भी है। और सुबह सुबह उठता हूँ बाथरूम बाथरूम होके फ्रेश होके, उसके बाद मैं कपड़ा वपड़ा पहन के इधर परफ्यूम मार के निकल जाता हूँ। शरीर से बदबू नहीं आना चाहिए वैसे भी हमारे शरीर से बदबू नहीं आती भाई, परफ्यूम मार लेता हूँ थोड़ा खुशबू के लिए अच्छा रहता है। सऊदी में ये अक्सर करके हर ड्राइवर के पास होता है, तो आप किसी से भी पता कर लो, नहीं तो अगर आपके पास है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अभी हर हाल 3 मिनट और बाकी है, 3 मिनट बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, उसके बाद में 15 मिनट में सारे जितने भी है घर में सबको उठाएगा, मदरसा छोड़ के आएगा, फिर उसके बाद में आएगा, ठीक है। लेकिन बस यार आप लोगों से इतना ही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ लेकिन लास्ट में बोलना ही पड़ता है यार, क्योंकि आप लोग करते नहीं हैं, ठीक है। वीडियो कैसे लगी और किस तरीके से लगी आप लोग अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो कि मैं सुबह सुबह उठ के आप लोगों के लिए एक बढ़िया से प्यारी से एक न्यू ब्रांड वीडियो बना के लाता हूँ और देता हूँ। इसमें एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है, एडिटिंग में अच्छा खासा टाइम निकल जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ देख के एडिटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसा भी होगा बताइएगा, और इंशाल्लाह अभी खैरहाल मैं खड़ा हूँ और जा रहा हूँ, तो अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तो आप याद रखिएगा।